इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले हैं कोफिशियंट ऑफ कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो आपका जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो फॉर्म होता है, तो जिस भी एटॉमिक ऑर्बिटल से फॉर्म होता है उस एटॉमिक ऑर्बिटल के जो वेव फंक्शन होता है उसमें एक कोफिशियंट होता है, दोनों sp और साई एस और साई पी दोनों का एक एक कोफिशियंट होता है, ए और बी मान लो उसको, ठीक है। तो उन सब का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमको दो चीज़ करना जरूरी है। सबसे पहले किसी भी फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन मतलब होता क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट दे देता हूँ मैं, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का नॉर्मलाइजेशन होता क्या है, जैसे माने हम मेरे पास एक वाई फंक्शन है इज इक्वल टू 3x+5 है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वाई बोले से वाई को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, वाई के स्क्वायर को, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, जिस फंक्शन पे रन हो रहा है dx, तो वैल्यू आएगा हमारा 1। तो ये हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन ऑफ वाई। मान लो हमारे पास एक वेव फंक्शन है ψ1, ठीक है, और जिसका वैल्यू है a1 ψs+b1 ψ p। ये पी ऑर्बिटल के लिए, एस ऑर्बिटल के लिए, और a1 है एस और साई एस ऑर्बिटल का कोफिशियंट, और b1 है साई पी ऑर्बिटल का कोफिशियंट, ठीक है, पी ऑर्बिटल का कोफिशियंट। तो अब इसका हम लोग नॉर्मलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ψ1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, ये टाउ के रिस्पेक्ट में रन करता है, टाउ के, ठीक है। तो यहाँ पे डेल टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा 1, मतलब ये इसको बढ़ा चढ़ा के लिखने से कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a1 ψs+b1 साई पी होल का स्क्वायर डेल टाउ बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए फंक्शन। सेकेंड चीज़ जो पढ़ना है हमको वो होता है आपका ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, ऑर्थोगोनल ऑफ ए फंक्शन या फंक्शंस हो जाएगा, ठीक है। मान लो आपके पास कोई दो फंक्शन है, एक है आपका ψ1 और एक है आपका ψ2, ठीक है। कोई दो फंक्शन है, ये एक और ये एक, तो इन दोनों का ऑर्थोगोनल मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, ψ1 × ψ2 का इंटीग्रेशन करेंगे डेल टाउ के रिस्पेक्ट में, तो आएगा वैल्यू 0, 0, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ऑर्थोगोनल ऑफ ए फंक्शन। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपका डेरिवेशन में यूज़ होने वाला है, जिसमें हम लोग कोफिशियंट का वैल्यू फाइंड करेंगे, वहाँ ये इस दोनों का यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमको जो बेसिक, सबसे पहले जो एजप्शन है, जो सब हमको मानना होता है फंक्शन, उसको चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये टॉपिक है। द वेव फंक्शन ऑफ टू sp ऑर्बिटल्स, ठीक है, यहाँ पे 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए, सेकेंड ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। दो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, विच इज़ फॉर्म बाई द कम्बिनेशन ऑफ 1s एंड 1p, 1s 1p, 1s 1p, दोनों के अलग अलग, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंट एट, ठीक है। तो जो आपका वेव फंक्शन है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये आपके फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, ये आपका सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए ψ1 का यूज़ किया है, सेकेंड के लिए ψ2 का यूज़ किया है, दोनों को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इस वीडियो में, इस टॉपिक में हमको करना क्या है, हमको बस a1 a2 b1 b2 का ही वैल्यू फाइंड करना है, बस यही हमारा मेन प्रॉब्लम है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 दे दिए, इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे दिए। इक्वेशन 1 फॉर वेव फंक्शन, सॉरी, हाँ, वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एंड इक्वेशन 2 मीन्स वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले a1 के लिए, यहाँ से a1 का स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे फॉर a1 और a2, ठीक है, दोनों का एक साथ हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो a1 और a2 के लिए हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, आपका कोई भी अगर s ऑर्बिटल है, ठीक है, या आपका दो s ऑर्बिटल एक साथ कंबाइन हो रहा है, तो वहाँ पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल रहता है हर जगह। जैसे कि आपके पास दो एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपका एस ऑर्बिटल, ये आपका एस ऑर्बिटल, सर्कुलर होते हैं और ये सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, स्पेरिकल सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसके सब जगह सेम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मान लो दो एक साथ कंबाइन हो गए, ठीक है, दो एस ऑर्बिटल, तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मान लो इसके पास एक है, इसके पास एक है, ठीक है, ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए, टोटल हो या दो, तो इसको एक मिलेगा, इसको एक मिलेगा। अब प्रोबेबिलिटी तो दोनों का एक ही होगा ना, तो इसको 1/2 मिलेगा, इसको 1/2 मिलेगा। तो a1 इज, तो हमको हमारा क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, फिर उसमें
स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू वन बाय रूट टू हो जाएगा सी। ठीक है, इसका थ्योरी पर लेते हैं। सिंस एस और एस ऑर्बिटल हैज स्पेरिकल सिमेट्री एंड इट्स चार्ज डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द टू एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, मैंने जो बोला था वही, ये स्पेरिकल सिमेट्री होता है एस ऑर्बिटल और इसमें जो चार्ज डेंसिटी होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हर जगह। ठीक है, देयर फॉर द स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर बोथ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो ए वन का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए टू का स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू हो जाएगा। इसको दे देंगे इक्वेशन थ्री। अब इसमें स्क्वायर को थोड़ा ट्रांसफर करने से रूट हो जाएगा तो ए वन इज इक्वल टू ए टू बाई वन बाय रूट टू। ठीक है, हम लोग B1 का वैल्यू फाइंड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो B1 के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो हमारा जो साई1 है, ठीक है, एज साई1 इज नॉर्मलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये एक नॉर्मलाइज्ड फंक्शन है साई1, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साई1 का स्क्वायर डेल टाउ इज इक्वल टू वन हो जाएगा। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अब साई वन का वैल्यू हमको इक्वेशन वन से पता है, क्या है साई वन का वैल्यू, ए वन साई एस प्लस बी वन साई पी पूरे का स्क्वायर। ठीक है, डेल टाउ यहाँ पे स्क्वायर थे इसलिए इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, तो क्या हो जाएगा आपका ए वन का स्क्वायर साई एस का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हो गया टोटल, अब बी का स्क्वायर मतलब बी वन का स्क्वायर साई बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर अब टू ए बी। ठीक है, टू ए के जगह में ए वन साई एस, बी के जगह में बी वन साई पी। ठीक है, अब पूरे को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और डेल्टा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट था तो इंटीग्रेट था तो इंटीग्रेट कर देते हैं इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको जो ये कॉन्स्टेंट टर्म है ए वन बी वन और टू ए बी, इन सबको बाहर निकालना है। तो इसको जब सबको पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ए वन का स्क्वायर साई स्क्वायर एस डेल टाउ। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी वन का स्क्वायर साई पी का स्क्वायर डेल टाउ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टू ए वन बी वन साई एस साई पी डेल टाउ इज इक्वल टू वन। देखिए सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब यहाँ से जो जो कॉमन जाएगा उनको हमको कॉमन निकाल लेना है। कॉमन मतलब आपको जो कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल देना है। तो यहाँ पे ए वन का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो अंदर में बचेगा साई स्क्वायर एस डी टाउ प्लस यहाँ पे बी वन का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा साई स्क्वायर पी डेल टाउ, यहाँ पे निकल जाएगा टू ए वन बी वन बाहर निकल जाएगा, अंदर में बचेगा आपका साई एस साई पी डेल टाउ इज इक्वल टू वन। ठीक है, अब इसको एक इक्वेशन का नेम दे देंगे, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा सिक्स। ठीक है, इक्वेशन नंबर सिक्स, और ये जो ऊपर में एडजप्शन किए थे ये वाला हमारा, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन फाइव। अब देखिए यहाँ पे साई स्क्वायर एस साई पी का स्क्वायर और साई एस और साई पी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने बताया था आपको नॉर्मलाइज का क्या कॉन्सेप्ट है और ऑर्थोगोनल का। तो यहाँ पे देखिए साई एस नॉर्मलाइज्ड है, साई पी भी नॉर्मलाइज्ड है और साई एस साई पी दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे एस साई पी एंड साई एस आर नॉर्मलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साई एस स्क्वायर डेल टाउ का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा वन, मैंने आपको पहले बता दिया था। और सेम पी फोर के लिए डेल टाउ ये क्या हो जाएगा, ये भी वन, और दोनों का ऑर्थोगोनल है। ठीक है, दोनों का ऑर्थोगोनल है तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साई एस साई पी डेल टाउ मल्टीप्लाई ये हो जाएगा जीरो। तो इन तीनों का वैल्यू हम लोग इक्वेशन सिक्स में पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जगह एक, इसका जगह एक और इसका जगह जीरो, तो हमारा इक्वेशन किस तरह से बन जाएगा, ए वन स्क्वायर इंटीग्रेशन वन डेल टाउ प्लस बी वन इंटीग्रेशन
इसके जगह भी वन डेल, नहीं पूरे का जगह वन सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी वन स्क्वायर इंटू वन प्लस बी वन स्क्वायर इंटू वन प्लस टू ए बी इंटू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन डाल दे रहा था क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन का तो वैल्यू होगा ना, तो यहाँ पे वन, ये भी वन, यहाँ पे ज़ीरो, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, ठीक है। ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ए वन का वैल्यू हमको पता है, तो ए वन का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी वन का वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ साइड में हम लोग लिख देते हैं कि ए वन इज इक्वल टू वन बाय रूट टू, इसलिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ए वन का वैल्यू वन बाय रूट टू पूरे का स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरह से नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वन बाई टू हो जाएगा प्लस बी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू वन, वन बाई टू को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो बी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू, तो बी वन का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई रूट टू, ठीक है। स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र किया तो वन बाई रूट टू हो गया। अब हमको यहाँ पे एक बार रिकैप करा देता हूँ, हमको किस किस चीज़ का वैल्यू मिल गया, ए वन का मिल गया वन बाय रूट टू, बी वन का मिल गया वन बाय रूट टू, और ए टू का भी मिल गया वन बाय रूट टू, ठीक है। अब हमको चाहिए बी टू का वैल्यू, तो बी टू के वैल्यू के लिए फिर से हम लोग ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे। इस बार हम लोग साई एस और साई पी में ना करके सीधा साई वन और साई टू, मतलब पूरे टोटल वेव फंक्शन में कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फॉर बी टू, ठीक है। एज वी नो, ठीक है, साई वन एंड साई टू, इक्वेशन वन एंड टू का वैल्यू, ठीक है, आर ऑर्थोगोनल टू इच अदर। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी आपने आपको क्या बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ दोनों फंक्शन साई वन एंड साई टू, और उसको डेल्टा और क्रिस्पिंग डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों का वैल्यू रखते हैं, साई वन का वैल्यू था ए वन साई एस प्लस बी वन साई पी ब्रैकेट इन टू हो जाएगा आपका ए टू साई एस प्लस बी टू साई पी, सारे को डेल्टा को इसमें डिफ्रेंशिएट इज इंटीग्रेट इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे साई वन साई एस, इसका पहले इसके साथ इंटू हो जाएगा साई टू साई एस पहला प्लस ए वन साई एस इंटू बी टू साई पी सेकेंड, ठीक है, प्लस अब बी वन वाले का साई पी इंटू, यहाँ पे बीच में इंटू दे देता हूँ आपके ए वन साई एस, ठीक है, प्लस नेक्स्ट बी वन साई पी इंटू बी टू साई पी पूरे का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये पूरा एक टर्म है इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, एक चीज़ आपने अभी हाल ही में पिछले टाइम पढ़ा था कि साई एस साई पी इंटीग्रेशन डेल टाओ इज इक्वल टू ज़ीरो आया था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे भी साई एस साई पी आएगा और डेल्टाओ आएगा और इंटीग्रेशन आएगा इज इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं। यहाँ पे साई एस है, इधर कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे साई एस साई पी है तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे साई एस आई पी है, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा ज़ीरो, ये पी पी है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, यहाँ से ए वन ए टू को सेपरेट करेंगे, ए वन ए टू इंटीग्रेशन ऑफ साई एस का स्क्वायर डेल टाओ, यहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी लगेगा प्लस, यहाँ से बी वन बी टू को सेपरेट करेंगे, बी वन बी टू इंटीग्रेशन ऑफ साई पी का स्क्वायर डेल टाओ इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका वैल्यू भी वन हो जाएगा, इसका वैल्यू भी वन हो जाएगा क्योंकि हमने ये भी पढ़ा था कि
साई एस का स्क्वायर डेल टाउ बराबर 1 होता है और साई पी का स्क्वायर डेल टाउ बराबर भी 1 होता है। तो ये दोनों वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा बस यहाँ पे बचेगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। बुक में यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई किया गया है, मैंने उसको एक्सपांड करके बताया है। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ए वन की वैल्यू पता है, ए टू का, बी वन का पता है, बी टू का बस नहीं पता। तो सब वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ए वन का है 1/√2 इंटू ए टू का है 1/√2 प्लस बी वन का है 1/√2 और बी टू का नहीं पता इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे तो 1/2 हो जाएगा प्लस 1/√2 बी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। इधर उसको ट्रांसफ़र करते हैं तो 1/√2 बी टू इज इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। अब इसको उधर ट्रांसफ़र करते हैं, बी टू इज इक्वल टू √2 इंटू टू। नेक्स्ट बी टू इज इक्वल टू, अब देखिए ये -√2 और 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। कैसे लिखेंगे, जैसे कि आपका √2 इंटू √2 करो तो 2 ही आएगा, ठीक है। तो उसको उल्टा करके हम लोग यहाँ पे पुट किए हैं, 2 का वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से कटेगा यहाँ से कटेगा, बचे क्या क्या 1 -1/√2। तो b2 का वैल्यू कितना आ गया, -1/√2, ठीक है। अब इस चारों वैल्यू को a1 a2 b1 b2 इन चारों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, इन इक्वेशन 1 हमारा इक्वेशन 1 था साई वन इज इक्वल टू ए वन साई एस प्लस बी वन साई पी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साई वन इज इक्वल टू ए वन के वैल्यू है 1/√2 साई एस प्लस बी वन का भी 1/√2 साई पी। तो ये हमारा एक आंसर कोफिशिएंट हमको फाइंड हो गया ए वन और बी वन। सेकेंड आंसर इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या था, साई टू इज इक्वल टू ए टू साई एस प्लस बी टू साई पी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू इज इक्वल टू इसका वैल्यू था 1/√2 साई एस और बी टू का वैल्यू है -1/√2 साई पी, ठीक है। तो ये भी वैल्यू आ गया। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस टॉपिक से आपको फर्दर कुछ भी वीडियो चाहिए तो सारे वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस टॉपिक के प्लेलिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, प्लीज़ वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं।